डिजिट नंबर में यूनिट और टेन प्लेस पर 64 आएगा और बाकी बचे चार जगह पर चार जो डिजिट है वो आएंगे कितने बेस से, तो 6 और 4 यहाँ पर एंगेज हो जाएंगे इन दो जगहों पर, तो बाकी बचे चार पर कौन आ सकता है, 599 और 2, सो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बेटा, यहाँ पर यूनिट एंड सेकंड प्लेस पर 5 और 2 बिजी हो रहा है, तो बाकी बचे चार इस जगह पर आएंगे, सो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूनिट और टेन प्लेस पर 2 एंड 4 चला गया, तो बाकी बचे चार में से यहाँ पर अरेंजमेंट आएगा which will be 4 factorial divided by 2 factorial. So, पहला वाला केस अगर आप देखेंगे तो जब आपके यूनिट और टेंथ प्लेस पर ये दो डिजिट्स आ रहे हैं तब आपके पास कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन रहे हैं, तो ये इतने, सो इन सबको ऐड करना है हमें, पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का कितना आता है, 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial. So, ये कैंसिल हो जाएगा तो 12 आएगा, सो 12 12 12 एंड 12 इन सबका एडिशन करेंगे तो 48. So, जब यूनिट और टेंथ प्लेस की जगह पर ये डिजिट्स आएंगे तो आपके पास 48 ऐसे 6 डिजिट नंबर है जिनको 4 से डिवाइड किया जा सकता है। अब ऐसे भी कुछ 6 डिजिट नंबर है कि जिनके यूनिट और टेंथ प्लेस पर 92 और 96 आ सकता है। अब अगर आपके, मैं इधर वाला पार्ट हटा देता हूं, अब हमें क्या सोचना है कि अब हमारे पास 6 प्लेसेस थी, उनमें से यूनिट और टेंथ प्लेस पर अब कौन आने वाला है, 96। अब अगर 9 और 6 यहां पर फिक्स हो गए तो बचे कितने प्लेसेस, 4 प्लेसेस बचे, और 4 प्लेसेस में बचे कितने, 4 डिजिट्स बचे जिनको अरेंज करना है, सो दीज विल बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। और जो 4 बचे हैं वो 4 के 4 डिफरेंट है जब 9 और 6 यहां पर एंगेज हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल वेज से आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सेकंड केस, जब आपका ये 92 से भरा रहेगा तब भी आपके बचे हुए 4 डिजिट्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, सो 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल विल बी द अरेंजमेंट्स विच वी विल गेट व्हेन आवर यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस विल बी फिल्ड बाय दीस टू नंबर्स। सो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 into 3 into 2 दैट इज 24, सो 24 प्लस 24 दैट इज 48। सो आपके पास टोटल कितने 6 डिजिट नंबर बन गए, 48 प्लस 48 दैट इज 96। 96 जितने आपके पास नंबर्स हैं 6 डिजिट नंबर्स जिनको इनमें से, मतलब इन लेटर्स को लेके, इन डिजिट्स को लेके जो 6 डिजिट नंबर्स बने हैं तो उनमें से इतने 96 ऐसे 6 डिजिट नंबर है जिनको 4 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। सो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।